हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुचि जैन फ्रॉम लक्ष्य एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो जिसकी सेक्शन वन जो है हमने कंप्लीट कर ली थी और आगे जो है हमें देखना था सेक्शन हमारी। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट सेक्शन, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन टू बात करती है रिपील और सेविंग की। रिपील जिसको हिंदी में हम बोलते हैं निरसन, और सेविंग जिसको हम बोलते हैं व्यापृति। रिपील या निरसन का क्या मतलब होता है? रिपील या निरसन का मतलब होता है हटा देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। और जो सेविंग या व्यावृत्ति हम जिसको कहते हैं, उसका मतलब है किसी चीज़ को सेव कर देना, कि किसी चीज़ को सेविंग क्लॉज में डाल दिया, मतलब अब उस चीज़ पर किसी अदर लॉ का या उसी लॉ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेविंग क्लॉज कहलाता है। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रिवेल नहीं हुआ था, जब नहीं था, तो जो ट्रांसफर के जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे गवर्न होते थे? लॉ ऑफ इक्विटी के द्वारा तो गवर्न होते थे। तो जैसे ही हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनकर तैयार हुआ आया, तो जो ओल्ड लॉ और इंस्टीट्यूट्स थे उनकी जो है जरूरत खत्म हो गई और उनको जो है रिपील कर दिया गया। तो यही जो है सेक्शन टू बताती है हमें, कि सेक्शन टू में यही बताया गया है कि जितने भी ओल्ड लॉज थे या रेगुलेशंस थे जिनके थ्रू हमारा ट्रांसफर जो है गवर्न, ट्रांसफर को हम गवर्न करते थे, ट्रांसफर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया करते थे, उन सारे रूल्स को और रेगुलेशंस को या जो भी विधियां बनी हुई थी उनको जो है सेक्शन टू के द्वारा रिपील किया गया। लेकिन कुछ चीज़ों को जो है इसमें सेव कर दिया गया, पूरे तरीके से जो है पुराने रूल्स और रेगुलेशंस को रिपील नहीं किया गया, कुछ चीज़ों को जो है इसमें सेव कर दिया गया। तो देखते हैं कि सेक्शन टू क्या बोलती है। सेक्शन टू रिपील ऑफ एक्ट्स सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स इंसिडेंट्स राइट्स लाइबिलिटीज एक्सेट्रा, ये इसकी हेडिंग है। अंदर ये बता रही है कि इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम बीइंग द इनेक्टमेंट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हियरटो अनेक्स्ड शैल बी रिपील्ड टू द एक्सटेंट देयर इन मेंशन। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि कौन से अधिनियम हैं जिनको रिपील किया गया है, तो वो अधिनियम वे हैं जिनको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो शेड्यूल दी गई है पीछे, उस शेड्यूल में जिन एक्ट्स के बारे में, जिन अधिनियमों के बारे में मेंशन कर दिया गया है एक्सप्रेसली कि इनको रिपील किया जाता है, तो वो सारे एक्ट्स, वो सारे इनेक्टमेंट्स जिनको शेड्यूल में मेंशन कर दिया गया है, वो सारे एक्ट्स और इनेक्टमेंट्स रिपील्ड माने जाएंगे। किस विस्तार तक? उस विस्तार तक जिस विस्तार तक उनको शेड्यूल में बताया गया है। तो सिंपली अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पहले जितने भी ओल्ड स्टेट्यूट्स थे, नियम थे, उनको रिपील कर दिया गया है, तो वो कौन से एक्ट, कौन से नियम इनको रिपील कर दिया गया है, तो आंसर होगा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की शेड्यूल में जिनको मेंशन कर दिया गया है एक्ट्स को और अधिनियमों को, वो जो है रिपील्ड एक्ट्स और अधिनियम माने जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि ओल्ड लॉ को और स्टेट्यूट्स को रिपील तो कर दिया गया जिनकी जरूरत नहीं थी अब, और उनको रिपील किया गया कैसे? शेड्यूल में मेंशन करके। लेकिन अब उनमें से किन चीज़ों को सेव कर लिया गया? ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जिनको कहा कि नहीं, ये चीज़ों को, इन चीज़ों पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कोई प्रभाव नहीं डालेगी? तो इनको हमने चार पॉइंट्स में डिवाइड करके देखा है, तो देख लीजिए ये चार पॉइंट्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट्स नॉट एक्सप्रेसली रिपील। सेकेंड है टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड है राइट्स लाइबिलिटीज एंड रिलीफ क्रिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। एंड लास्ट वन ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये बोर्ड पर लिखे हुए चार पॉइंट्स आपने देख लिए अच्छे से। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा क्या, एक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट्स Not expressly repealed, okay? तो ये बात कर रहा है ऐसे एक्ट मतलब अधिनियम, इंस्टीट्यूट मतलब विधिक उपबंध, जिनको एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं किया गया है, उन पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है?
ऐसे एप्स और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर उनको शेड्यूल में मेंशन कर दिया जाता, ऐसे अधिनियम जिनको शेड्यूल में मेंशन कर दिया गया है कि ये रिपील्ड है, वो एक्सप्रेसली रिपील्ड माने गए, और जिनको शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया, जिनके बारे में कहीं पर भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं बताया गया कि ये एक्ट भी रिपील्ड हो गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के बाद, मतलब उनको एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं माना गया और ये माना गया कि वो अभी भी प्रिवेल है। इसलिए अब उन ऐसे एक्ट्स पर जिनको एक्सप्रेसली शेड्यूल में नहीं बताया गया रिपील्ड, उन पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपना कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। ये इसका मतलब हमारा निकल कर आया, जिनको एक्सप्रेसली मेंशन करके रिपील्ड नहीं किया गया है उन पर, उन स्टेट्यूट्स के उन एक्ट से किसी भी प्रोविजन पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कोई प्रभाव नहीं डालेगी, भले ही वो जो एक्ट और वो जो प्रोविजन है उनका कोई भी उस एक्ट का अगर कोई प्रोविजन कॉन्ट्रेरी भी है, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किसी प्रोविजन से, तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज बोलती है हमारा पॉइंट फर्स्ट। अब पॉइंट सेकंड हमने क्या पढ़ा था? टर्म्स एंड इंसिडेंट्स वाला। बी क्या पढ़ा था हमने? टर्म्स इंसिडेंट। तो टर्म्स एंड इंसिडेंट्स काय के? कॉन्ट्रैक्ट के। तो कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है किसी विधि के अंतर्गत, कैसी विधि के अंतर्गत? जो अभी प्रिवेल है, जो अभी फोर्स में है, ऐसे विधि के अंतर्गत कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसमें कुछ टर्म्स या कुछ इंसिडेंट्स डाले गए, और अगर ये टर्म्स और ये इंसिडेंट्स हमारे टीपीए के, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, टीपीए एक्ट के कॉन्ट्रेरी नहीं है, कैसे नहीं है? कॉन्ट्रेरी, नॉट कॉन्ट्रेरी। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसी विधि के अंतर्गत जो अभी इनफोर्स में है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स या इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कॉन्ट्रेरी नहीं है, तो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी टर्म और इंसिडेंट्स पर इफेक्ट नहीं डालेगा जो कि हमारे टीपीए के प्रोविजन से कॉन्ट्रेरी नहीं है, ये चीज इसमें कही गई है। अब हम बात करते हैं इसमें जो टर्म्स, तो आप समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स कंडीशंस। इंसिडेंट जो वर्ड आया है, तो इंसिडेंट से क्या मतलब है? तो इंसिडेंट से मतलब होता है थिंग्स नेचुरली अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली अटैच्ड, थिंग्स नेचुरली अटैच्ड कैसे? जैसे आप समझ लीजिए कि कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उसके साथ कौन सा अधिकार जो है अटैच रहता है? पार्टीशन का। तो इंसिडेंट से हम समझते हैं, इंसिडेंट का मतलब क्या है? थिंग नेचुरली अटैच्ड, अटैच्ड ऐसी चीज जो स्वतः ही प्रॉपर्टी से अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं कोई इंसिडेंट। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, दो लोगों ने मिलकर खरीदी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसके पार्टनर्स हैं, तो उसके साथ इंसिडेंट क्या माना जाएगा? पार्टीशन का, कि अब ऐसी प्रॉपर्टी के साथ पार्टीशन का अधिकार ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। दो लोगों ने अगर कोई प्रॉपर्टी, किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उसका पार्टीशन होने का अधिकार उसमें स्वतः ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चीजों पर, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिससे कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, तो फिर उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, ये चीज इसमें बताई गई है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? ऐसी राइट, लाइबिलिटी और रिलीफ। थर्ड पॉइंट जो सी पॉइंट था, ये बात करता है राइट्स, लाइबिलिटी और रिलीफ। राइट, लाइबिलिटी और रिलीफ, ये राइट, ये लाइबिलिटी और ये रिलीफ, ये तीनों चीजें कब हो रही हैं? ये तीनों चीजें हो चुकी हैं कमेंस बिफोर दिस एक्ट। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के पहले ही किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो चुका है, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिला है, किसी दायित्व का उत्पन्न हुआ है, या कोई उसको रिलीफ मिलना है। लेकिन ये जो राइट,
लाइबिलिटी और रिलीफ क्रिएट हुआ है ये कब हुआ है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के पहले हुआ है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि हम पहले ही शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नेचर कैसा है, प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। टीपीए जो है हमारा, टीपीए हमने पहले ही पढ़ा था, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या था? भूतलक्षी, भूतलक्षी नहीं है। तो चूंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है, इसीलिए मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती है, इसलिए ये इसके आने के पहले अगर कोई अधिकार लाइबिलिटी या रिलीफ सृजित हो चुका था तो उस पर ये कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। लेकिन इसका एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कि कोई अधिकार लाइबिलिटी और रिलीफ उत्पन्न तो हो चुका है इसके आने के पहले, ट्रांसफर प्रॉपर्टी आने के पहले इफेक्ट हो चुका है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कह दिया गया कि ठीक है, अगर कोई अधिकार आपको मिल गया है तो हम उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, आपको अधिकार मिल गया, आप एंजॉय कीजिए। भले ही वो अधिकार कैसा था, वो अधिकार ऐसा था कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफेक्ट में आ जाता तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होता, और उस ट्रांसफर वैलिड नहीं होता तो क्या होता, वो अधिकार भी उस व्यक्ति के पास नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी चलिए उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया कि अगर कोई पहले ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के पहले ट्रांसफर हो चुका है और उसमें कोई अधिकार व्यक्ति को मिल गया है तो उस पर टीपीए को इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन जब इस अधिकार को एग्जीक्यूट कराने की बात आएगी, अधिकार तो आपने ले लिया, अधिकार पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने कोई इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफेक्ट में आ गया और अब इस अधिकार को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए जो प्रोसीजर रहेगा वो फॉलो होगा हमारे टीपीए से ही। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव नेचर होने के कारण पुराने किसी राइट्स, लाइबिलिटीज या रिलीफ्स पर जो इस एक्ट के आने के पहले उत्पन्न हो चुके उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। लेकिन जब इन तीनों चीजों को एग्जीक्यूट कराने की बात आएगी तो उस एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वो प्रोसीजर तो टीपीए का ही होगा। जो हमारा टीपीए एक्ट आ गया है उसमें जो प्रोविजंस बताए हैं कि कैसे किसी अधिकार को हमें एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो वो पूरा टीपीए के अकॉर्डिंग ही होगा। अब हम समझते हैं हमारा फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया था? फोर्थ पॉइंट में बताया गया था ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और एग्जीक्यूशन डिक्री सेल। In execution of decree or order of a court, ये हमारा fourth point कह रहा है। Fourth point बहुत ही clear है, पहले भी जब हमने transfer of property के start किया था तो पहले ही जब हमने इसका उद्देश्य पढ़ा था तो उसमें ही क्लियर कर दिया गया था। क्या उसमें क्या लिखा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पीछे का उद्देश्य है ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी जो दो पक्षकार होते हैं उनके बीच में जो ट्रांसफर होंगे उनसे संबंधित विधि को समेकित और एकत्रित करने के लिए। तो पहले ही पढ़ लिया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील किसमें करता है, पक्षकारों द्वारा किए गए अंतरण में, ना कि विधि की क्रिया द्वारा किए गए अंतरण में। तो वही चीज इस पॉइंट में भी बोली गई है कि यदि किसी संपत्ति का ट्रांसफर विधि की क्रिया द्वारा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, कोर्ट की किसी डिक्री या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या दिया है? सेक्शन 57 ऑफ टीपीए एंड सेकेंड चैप्टर फोर ऑफ टीपीए। तो सेक्शन 57 जो टीपीए एक्ट की है वो बात करती है विलंगम रहित विक्रय की न्यायालय के आदेश से।
मतलब यदि कोई संपत्ति का विक्रय होना है, उस पर विलंगम है, कोई एनकम्ब्रेंस है, तो उसको उससे मुक्त करके उसका विक्रय करवाना, तो उसका आदेश कौन देता है? कोर्ट देता है। ये चीज सेक्शन 57 में बताई गई है। जब हम आगे पहुंचेंगे तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को सेविंग से बाहर रखा गया है। दूसरा चैप्टर 4, चैप्टर 4 बात करती है मॉर्टगेज की और चार्ज की। तो मॉर्टगेज और चार्ज वाला जो चैप्टर है उसको भी सेविंग से बाहर रखा गया है, मतलब उन पर इफेक्ट डालेगी सीपीसी। मॉर्टगेज चार्ज और सेक्शन 57 के अंतर्गत अगर कोई ट्रांजेक्शन आ रहा था तो उन पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब इन ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, बाय ऑपरेशन जो ट्रांसफर होता है कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा भी कुछ कुछ प्रोविजंस में बताया गया है, तब ये एक्सेप्शन कंडीशन आ जाती है कि 57 में न्यायालय का हस्तक्षेप है लेकिन उस पर टीपीए के प्रोविजंस प्रभाव डालेंगे। मॉर्टगेज और चार्ज में भी कहीं ना कहीं न्यायालय का हस्तक्षेप है, न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा ट्रांसफर हो रहा है लेकिन फिर भी उन पर जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इफेक्ट पड़ेगा। तो ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर कोई अंतरण विधि की क्रिया द्वारा किया गया उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिवाय सेक्शन 57 और चैप्टर 4 को छोड़कर। ये इसका एक्सेप्शन था। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ, जो हम बार बार बोल रहे हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो भाई ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में आता क्या है? तो सबसे पहला जो बहुत इजी है, जो सभी जानते हैं, बिल और इनहेरिटेंस। ये दो शब्द आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, बिल वसीयत, इनहेरिटेंस मतलब उत्तरदायित्व के तौर पे जो मिल जाता है, लीगल हेयर जिसको हम बोलते हैं, वारिस। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस उसके हेयर्स को चली जाती है। तो वो भी कैसा, वो ट्रांसफर कैसा होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कोई प्रभाव नहीं डालती। बिल, कोई व्यक्ति वसीयत लिख लेता है, लिख देता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वसीयत में जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है उसको वो प्रॉपर्टी जाती, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर कैसा होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये जो है दो एग्जाम्पल है कि ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है। तो ये दो एक एग्जाम्पल है कि बिल और इनहेरिटेंस के थ्रू जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहलाती है, तो उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी का कोई प्रोविजन इफेक्ट नहीं डालेगा। अब एक, ये तो 4 पॉइंट्स हो गए सेविंग के कि किन किन चीजों को सेक्शन 2 में सेव किया गया है। एक इन 4 पॉइंट्स के बाद सेक्शन 2 में सबसे लास्ट में एक और कंडीशन दी गई है, वो दी गई है मोहम्मदन लॉ। वो क्या दी गई है आपकी, मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम विधि। तो इसमें ये कह दिया गया कि चैप्टर 2 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो चैप्टर 2 है वो मुस्लिम विधि पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। चैप्टर 2 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मोहम्मदन विधि पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चैप्टर 2 में क्या बताया गया है, चैप्टर 2 में बताए गए हैं जनरल रूल्स ऑफ ट्रांसफर, किस किस तरीके से ट्रांसफर होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होगा, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या होगा, रूल ऑफ परपेचुटी क्या होगा, इलेक्शन का रूल क्या होगा। तो ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, जनरल साधारण जो नियम है, वो पूरे अध्याय 2 में बताए गए हैं जो कि मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होंगे, लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वो मुस्लिम विधि पर लागू होते हैं, जैसे सेल, मॉर्टगेज, लीज, चार्ज, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर, ये सब मुस्लिम लॉ पर एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ जो जनरल रूल्स बताए गए हैं, मेथड्स बताए गए हैं ट्रांसफर के चैप्टर 2 में, वो मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होंगे। ये हमारी सेक्शन 2 में जो है बताया गया है। तो आई थॉट सेक्शन 2 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए एंड पूछिए, तो मैं आपको फिर से ये जो है एक वीडियो बनाऊंगी और आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू। अब वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जल्द ही आएगा। थैंक यू।